गोटेगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज भाजपा सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महामहिम राज्यपाल के नाम आज गोटेगांव में कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के निदान की शीघ्र बात कही है। आपको बता दें कि ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि किसानों को जो समस्या हो रही है उनका भुगतान नहीं हो रहा, उसका शीघ्र भुगतान किया जाए और बढ़े हुए बिजली के दाम और जो बिल आ रहे हैं उनको कम किया जाए तथा बेरोजगारी दूर की जाए एवं महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाए। आज किसानों की समस्याएं, आदिवासी, हरिजन आदि, दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहा है वो मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार का जो खुल्ला काम हो रहा है, सड़क में जो गड्ढे हैं, इसके साथ साथ किसानों की समस्या, बढ़े हुए बिजली के बिल और बेरोजगारी के विरोध में आज हम लोगों ने ये ज्ञापन, कांग्रेसियों ने पूरे मध्य प्रदेश में राज्यपाल के नाम से ये ज्ञापन दिया है। उसी तारतम्य में हम लोग गोटेगांव विधानसभा के कांग्रेसियों ने राज्यपाल को ये ज्ञापन दिया है एसडीएम के माध्यम से। प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, संज्ञान नहीं लिया जाता, तो क्या रहेगा अगला कदम? हमारा अगला कदम जो हमको पीसीसी से जो मार्गदर्शन किया जाएगा वो अकेला गोटेगांव नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही हम लोगों का एक साथ एक उससे चल रहा है, ये अकेले गोटेगांव का नहीं है। तो हम लोगों को जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और कांग्रेस जन का जो एक मतिन जो काम है उसके तहत हम अगली कार्रवाई करेंगे। कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला, क्या मांग? आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोटेगांव द्वारा महिलाओं के ऊपर हो रहे, महिलाओं बालिकाओं के ऊपर हो रहे दुराचार, किसानों की आर्थिक परेशानियों, बिजली बिल और भी अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार, वहाँ मेम्बर की खस्ता सड़कों के विरुद्ध एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को पेश किया गया जिसे कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को पहुँचा दिया गया।